जैसे आप सबको पता है, हमने पहले आपको फार्मूला लिखवाया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है स्मॉल सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, ठीक, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। अब इसको मैं इस तरीके से लिखना चाहूं, देखो डेल्टा क्यू से पहले कुछ नहीं है, उसका मतलब बाद इसमें मौजूद है, तो अगर इसको मैं 1 अपॉन एम मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को अगर इस तरीके से लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं। देखो यहां पर क्या, अगर डेल्टा क्यू को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो डेल्टा क्यू वन है डेल्टा क्यू, और एम को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करूं तो वो एम डेल्टा टी आता है, यानी उसी फॉर्म में दोबारा आ सकता है। तो इसे उसको मैंने किस फॉर्म में लिखा, 1 अपॉन एम मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसको क्यों लिखा, क्योंकि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो इक्वल होता है वो हीट कैपेसिटी यानी कैपिटल सी के इक्वल होता है, ये हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अभी आपको यानी कि मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था कि डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू कैपिटल सी, तो आप लोगों को यहां पे क्या कर सकते हैं, देयरफॉर 1 अपॉन एम सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम सी का लिखा, इस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की जगह मैं लिख सकता हूं कैपिटल सी, तो मैंने क्या लिख दिया डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की जगह कैपिटल सी, ठीक है। तो एम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको मैं शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड पर है, तो शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी कि एम सी से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा सी एम, सी एम इक्वल टू यहाँ पर क्या रह जाएगा कैपिटल सी। तो इससे एक रिलेशन निकला कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या हासिल हो जाएगा, हीट कैपेसिटी हासिल हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से हीट कैपेसिटी को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके जो हासिल हो, ठीक है, अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपको हासिल होगा 6, तो कहेंगे 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3, 6 और 2 और 3 का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर हासिल होता है उस नंबर का प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखो c को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं m से, तो c को जब m से यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके मल्टीप्लिकेशन से जो हासिल होगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा, उसी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। यानी हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि हीट कैपेसिटी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास ऑफ द सब्सटेंस का प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो हासिल होगा वो कैपेसिटी होगा। तो देखिए इनका रिलेशन निकल गया, ये रिलेशन क्या है, इस तरीके का रिलेशन है। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर अब ये जो चैप्टर 11 यहाँ पर आपको ये थ्योरी कंप्लीट हुआ है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो लाइटर स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।